नमस्ते, मेरा नाम संजीता महापात्र है। मैं रौरकला उड़ीसा की रहने वाली हूँ। इस बार यूपीएससी 2019 का जो रिजल्ट आया उसमें मेरा रैंक 10 है। मैं रौरकला में ही पली बड़ी हूँ, वहीं से मैंने स्कूलिंग करी। मेरे पापा इज अ स्मॉल टाइम बिजनेसमैन, मदर हाउसवाइफ हैं। मेरी एक बड़ी बहन है जो भेल में नौकरी करती हैं। आईएएस बनने का सपना बचपन का ही था, तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया। एंड कॉलेज में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। 2012 पास आउट हूँ मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने रौरकला स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वहाँ नौकरी की 5 साल। 2018 में मैंने वहाँ से रिजाइन किया। फिर स्टेट पीएससी दिया था, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें मेरा रैंक 2 आया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का रिजल्ट आया और उसमें आई सिक्योर्ड रैंक। मेरा स्ट्रेटजी पढ़ने का जो था, हमेशा से मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था। मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है, मैंने सेल्फ स्टडी करी है कम्प्लीटली। मैंने मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, उसके लिए मैंने 3 मंथ्स का एक क्रैश कोर्स टाइप ऑफ किया था उपेंद्र गौर से। और उसके बाद मैंने बाकी जीएस की तैयारी, एसए की तैयारी, वो सब खुद से ही करी थी। मैं कॉलेज टाइम से ही न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ती थी, वो मेरी एक आदत बन गई थी। कॉलेज खत्म होने के बाद जॉब शुरू हुआ और जॉब के साथ साथ मैंने पढ़ाई चालू की थी। मैंने एनसीईआरटीज पढ़ना, बेसिक बुक्स पढ़ना, बिकॉज मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, कोई कोई पीयर ग्रुप नहीं था। जो आप यूजुअली छोटे शहरों में ये दिक्कत आती है कि पीयर ग्रुप हमें मिल नहीं पाता, तो इस टाइम पे इंटरनेट मेरा बहुत बड़ा साथी बना था। मैंने वहां से बहुत रिसर्च करा। मुझे सबसे ज्यादा टाइम ये जानने में लग गया कि कौन से बुक्स पढूं, कहाँ से पढूं। अपने सोर्सेस को कंसाइज किया मैंने। पहले क्या करती थी, बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह से पढ़ने की कोशिश करती थी, जो अल्टीमेटली हेल्प नहीं करता था। और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि इस टॉपिक के लिए मैंने ये पढ़ना है, और उसके बाद उसे बार बार ही रिवाइज करना। तो मैंने अपना नैरो डाउन किया पढ़ाई। उसके बाद 2018 में मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी काम का प्रेशर, आप जैसे ही बढ़ते जाते हो काम में, बढ़ता ही जाता है। तो मुझसे लगा कि अब जब मेरा सपना है ही कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो बहुत मुश्किल से मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे रिजाइन करना है। और मैंने अपना पूरा टाइम 1-1.5 साल का लगाया कंप्लीटली पढ़ाई में। और उसके बाद मैं कभी ये नहीं देखती थी कि कितने घंटे मुझे पढ़ाई करनी है। मैंने कभी घंटों को मायने नहीं दिया। मेरा हमेशा रहता था कि मैंने अपना आज का टारगेट खत्म किया कि नहीं। मैं शेड्यूल बना के पढ़ती थी। मैं शादीशुदा हूँ तो घर के छोटे छोटे काम रहते हैं, तो मैं 9 से 9, 12 घंटे, 18 घंटे एक साथ बैठ के नहीं पढ़ सकती। मुझे काम भी कुछ कुछ रहता ही है, ज्यादा ना हो पर थोड़े बहुत काम घर के रहते हैं। तो उसके लिए मैं हमेशा ये करती थी कि आज मैंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, आज मैंने इतने आंसर्स लिखने हैं, आज मैंने इतने टेस्ट सीरीज सॉल्व करने हैं। तो वो एक छोटा छोटा टारगेट लेके, ताकि एक हफ्ते में एक बड़ा सा टारगेट कंप्लीट हो जाए, एक महीने में मेरा और एक बड़ा टारगेट कंप्लीट हो जाए, वो हमेशा मेरा रहता था दिमाग में। तो यही थी मेरी जर्नी प्रिपरेशन की। और ऑप्शनल को काफी इम्पोर्टेंस दिया मैंने, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम अलॉट करती थी। मुझे मेरा ऑप्शनल बहुत पसंद था। सब पूछते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद सोशियोलॉजी क्यों, बट मुझे वो सब्जेक्ट, आई कुड कनेक्ट, मुझे वो समझ आया, मुझे लगा कि मैं इसमें लिख सकती हूँ और मुझे समझ आ रहा था। तो अगर कोई सब्जेक्ट आप चूज करें, उससे आप कनेक्ट होना बहुत जरूरी है आपका। यही थी मेरी स्ट्रेटेजी। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। 3 अटेम्प्ट्स मैंने कॉलेज के टाइम पे दिए थे, जब मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या होता है। मैंने प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई किया था। 4th अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था, वो मेरा नौकरी के बाद सीरियस अटेम्प्ट था। और 5th अटेम्प्ट ये जो मेरा फाइनल अभी हुआ, मेरा ये 5th अटेम्प्ट था यूपीएससी में, जिसमें मैंने फाइनली रैंक सिक्योर किया। मेरे पहले 4 अटेम्प्ट में जो गलतियां थी, पहले 2 अटेम्प्ट गलतियों की वजह से नहीं, मेरे प्रिपरेशन की वजह से थी। क्योंकि ना मुझे सिलेबस, बुक्स, लिस्ट, कहाँ से क्या पढ़ना है कुछ आइडिया ही नहीं था। और मैं कॉलेज में थी, सीरियसनेस भी काफी कम थी तब, तो मैंने उस हिसाब से नहीं दिया था। बिकॉज यूपीएससी
क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। आप जब दिल्ली पहुंचते हो तो आपको वो माहौल ही ऐसा मिल जाता है कि आपको समझ आ जाता है कि कहाँ से क्या करना है। वो चीज मुझे पहले नहीं पता चली। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सारे एनसीईआरटीज, बहुत सारे बेसिक बुक्स पढ़े थे, पर प्रिलिम्स उस बार नहीं हो पाया। मुझे लगा मेरी रिविजन की काफी कमी थी, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद नहीं था। फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने ये किया था, क्योंकि ना मैंने इतनी बार एनसीईआरटीज पढ़ रखी थी, मेरे लिए एनसीईआरटीज काफी इंपॉर्टेंट थी, मुझे काफी हेल्प मिली। सबका अपना अपना होता है, बट एनसीईआरटीज मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था, बिकॉज मेरे पास तभी वही रिसोर्सेस थे। दैट वाज जो ऑनलाइन ई पाठशाला से मैं डाउनलोड करके एनसीईआरटीज पढ़ती थी, और उसे मैंने काफी बार रिवाइज किया है। और फाइनली मैंने उसको फाइनल रिविजन के लिए एक 2-3 पेज के पतले पेपर में मेन मेन की पॉइंट्स, जो यूजुअली प्रिलिम्स में पूछते हैं, एक वर्ड डाल देते हैं और उसके 4 ऑप्शंस, वो करा था। और फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज करी थी, मैंने बहुत सारे प्रिलिम्स के टेस्ट सीरीज सॉल्व किए थे, जितने अवेलेबल थे। आई हैड मेड इट अ पॉइंट कि दिन में दो दो तीन तीन टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, एग्जाम के एक 15-20 दिन पहले। मेरा वही फोकस रहता था, कि उससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि एलिमिनेशन कैसे करना है। प्रिलिम्स काफी ट्रिकी हो गया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस, बट अगर आपका बेस एनसीईआरटी वाला बेस, करंट अफेयर्स बेस, करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़े ना, इतने सारे रिसोर्सेज आ गए हैं मार्केट में, इंटरनेट में, आप 2-3 जगह से पढ़ो, फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से वो बहुत सारे क्वेश्चन, करंट अफेयर्स रिपीटेटिव है, तो आप फिर उससे पता लगाइएगा कि कौन सा करंट अफेयर्स एक या दो सोर्सेज से नैरो डाउन करिए और उसी को पढ़िए। मेरा जीएस का ये स्ट्रेटेजी था, मैं हमेशा हिंदू बहुत डिलीजेंटली पढ़ती थी, मुझे वो अच्छा लगता था। सब कहते हैं आजकल बहुत कंसाइज नोट्स मिल जा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आपको पेपर रीडिंग से जो आती है अंडरस्टैंडिंग, वो आपको कंसाइज नोट्स, उससे आपको नहीं समझ आएगा, तो ट्राई टू डेवलप दैट हैबिट। मैंने जीएस के 4 अलग अलग कॉपीज बना लिए थे, मैं हमेशा जो भी पढ़ती थी उसको उसी टॉपिक के अंडर लिख लेती थी, बट उसको ऐसे लिखना है कि ऐसे की तरह नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है कि अगर मेंस में ये क्वेश्चन आता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से उसको उठा के चिपका सकूं। धीरे धीरे ये जो मैंने नोट्स बनाने का सिलसिला है ना, ये एक साल में नहीं हुआ, ये काफी टाइम लगा टू मेक कंसाइज नोट्स। आप हमेशा ये याद रखिए कि ये बहुत जल्दी ऐसे एक दिन में होने वाला चीज नहीं है, ये आप मच्योरिटी डेवलप करते हो धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो। तो कंसाइज नोट्स बनाओ, और नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप उसको अपने एग्जाम के पहले रिवाइज करके जा सको। मेरे फोर्थ अटेम्प्ट में जो मेंस था, मैंने उसमें क्वालिफाई नहीं किया, और मेरा सबसे बड़ा उसमें प्रॉब्लम यही था कि मैं अपने नोट्स इतने अच्छे से जो पूरे साल बनाए रिवाइज कर नहीं पाई। तो दैट वाज माय लर्निंग पॉइंट कि मुझे अगली बार से ऐसे नोट्स बनाने हैं जो मैं रिवाइज कर सकूं, नहीं तो मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। ऐसे को हम हमेशा भूल जाते हैं या ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट मुझे लगता है इट्स अ वेरी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। उसके लिए आप, मैंने हमेशा से प्रिलिम्स के तुरंत बाद ही ऐसे का एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, ताकि मुझे इवेल्युएशन हो और पता चले कि मैं सही लिख रही गलत लिख रही हूँ। तो आप कंटिन्यूअसली हर हफ्ते दो दो ऐसे भी लिखो, तो बाय द टाइम आप मेंस लिखने जाते हो, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, और मुझे ये काफी हेल्प किया था। बाकी अगर किसी की इंग्लिश वीक है, किसी को डेवलप करना है, तो काफी सारे अवेलेबल है इंटरनेट में मटेरियल, यू कैन फोकस ऑन दैट। थर्ड इज ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए हर दिन मैं प्रिलिम्स से पहले, मैं 1 महीना बीच में, प्रिलिम्स का पहले 1 महीना मैं पूरा छोड़ती थी सिर्फ रिविजन के लिए। उसके पहले तक मैं हमेशा ऑप्शनल सेकेंड हाफ ऑफ माई डे 2-3 घंटे ऑप्शनल पढ़ती थी, वो मेरा हमेशा फोकस रहता था। सुबह GS 1 2 3 में रोटेट, सेकेंड हाफ इज ऑप्शनल GS 4। GS 4 मेरा कांस्टेंट था। मैं वक्त निकालती थी कि लेक्सिकॉन हो, कोई भी नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक हो, उसके 10 पेज ही पढ़ लूं। हमेशा हर दिन एथिक्स का टच रहना चाहिए, क्योंकि ना एथिक्स पेपर बहुत अच्छा पेपर होता है अगर आप अच्छे से स्कोर कर सको तो। मेरा इंटरव्यू अप्रैल 3 को था, बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक शिफ्ट हो गया था, इट वॉज हेल्ड ऑन जुलाई 23। जुलाई 23 को मेरा आफ्टरनून सेशन में था, मेरा बोर्ड सुजाता मेहता मैम बोर्ड था। मैंने इतने सालों तक, जो भी यूपीएस एस्पिरेंट होता है उसके लिए इंटरव्यू एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो मैंने भी बहुत सालों से बहुत सपने बना रखे थे कि इंटरव्यू में ये बोलूंगी वो बोलूंगी ऐसे बोलूंगी,
बट बहुत ही अलग और यूनिक सा इंटरव्यू था, बिकॉज ऑफ हमने फेस मास्क पहन रखा था, शील्ड पहन रखा था, ग्लव्स पहन रखे थे, तो दिक्कत हो रही थी काफी बात करने में, फॉग हो जा रहा था, बट स्टिल फाइनली मैं वहां थी. और पूरा जो बोर्ड होता है बहुत प्रोफेशनल बोर्ड होता है, दे आस्क यू क्वेश्चन जिसके आंसर आपको आते हैं, वो आपको ग्रिल करने की कोशिश नहीं करते, वो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर एक टॉपिक है आपका इसमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप इसके लिए कुछ नया क्या बता सकते हैं. वो उसी फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वो नहीं चाह सोचते कि आप अभी बहुत बड़ा सा कोई बता दोगे कि आप ये कर दोगे वो कर दोगे, दे जस्ट वॉन्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. जैसे मुझसे उन्होंने एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पर फिर भी चाइल्ड लेबर कितना रैम्पेंट है, तो आपको क्या लगता है हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए, हमें और पेनल्टीज लगानी चाहिए? तो मैंने रिप्लाई किया था, नहीं सर, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन सफिशियंट है, हमें ये जानना है कि चाइल्ड लेबर का असली प्रॉब्लम क्या है. द प्रॉब्लम इज पॉवर्टी. तो दिस इज व्हाट शोज देम दैट आपके पास क्या अंडरस्टैंडिंग है. तो मेरे कहने का मतलब है कि इंटरव्यू जो होता है आपकी, इतने साल की जो पढ़ाई है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग की टेस्टिंग है. तो आप ये मत सोचिए कि मैं इंटरव्यू के 1 महीने पहले करंट अफेयर्स रट के चले जाऊंगा, चली जाऊंगी और वहां जाके बोल दूंगी इट विल हैपन, इट डज नॉट हैपन. सो इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी. टू द एस्पिरेंट्स आई वुड लाइक टू एडवाइस दैट यूपीएससी का जो जर्नी होता है ये बहुत ही पेशेंस वाला जर्नी होता है, बिकॉज हमें हर स्टेप स्टेज के बाद इंतजार करना पड़ता है विथ बैटेड ब्रेथ कि कब आएगा रिजल्ट. तो आप इस टाइम में अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जो भी सपोर्ट सिस्टम है उनके साथ बात करिए, डिप्रेशन में मत जाइए. सेकेंड इस पूरे जर्नी में अगर कोई आपका हमेशा साथ देगा तो वो आप खुद हैं. तो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, अपने विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखिए, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. मैं अपने इस सक्सेस में लक को कोई कोई श्रेय नहीं देना चाहूंगी, ये सिंपली मेरा हार्ड वर्क था फॉर मेनी इयर्स ऑफ स्ट्रगल, ऐसा नहीं कि 1 साल पढ़ के मैंने निकाल लिया. और थर्ड चीज है कि आप इसमें जब भी आपको लगे मुझसे नहीं हो पाएगा, खत्म कर देता हूँ, अब नहीं होगा, तब हमेशा खुद से ये पूछना कि इतने आसान करियर चॉइसेस मेरे सामने थे, मैंने इतना मुश्किल करियर ऑप्शन चूज क्यों किया, मेरा मोटिवेशन क्या था. अगर आपका मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग है तो आप अपने आप इसे कर सकती हैं, आप अपने आप यू विल बी मोटिवेटेड टू डू दिस. जब आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इन फ्यूचर. अगर आप घर के प्रॉब्लम्स या बाकी जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो छोटे हैं बड़े हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक आईएएस ऑफिसर बनना ही बहुत दृढ़ता का काम है, आपको काफी स्ट्रेंथ दिखानी होगी अपने पूरे काम में. तो अपना जो मनोबल है उसे उसे बहुत स्ट्रांग करना होगा. एंड ऑब्वियसली घर का सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मैरिड वुमेन के लिए, इन लॉज हो, हस्बैंड हो, ये अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है. बट वो सपने क्या ही जो पूरा करने के लिए जी जान ना लगाया जाए. तो अगर आपके सपने ही इतने बड़े हैं तो उसके लिए मेहनत भी उतनी ही ज्यादा लगेगी.